न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। जेल में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई के मामले में एससी ने केंद्र को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में की जेलों का या बाल सुधार गृहों में कथित तौर पर अवैध और मनमाने तरीका से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर याचिका पर अल्फनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जेलों या किशोर गृहों में कथित तौर पर अवैध और मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के भीतर याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में हुआ जल जमाव, कई किलोमीटर तक लंबा जाम, एडवाइजरी जारी। कर्नाटक की राजधानी में कल हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार को बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में गंभीर जल जमाव देखा गया है। वहीं बेंगलुरु के बेलुंदर इलाके में भारी बारिश के कारण सड़कों पर गंभीर जल जमाव हो गया है, जिसके कारण लगभग 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जमा हुआ है। इस संबंध में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। कर्नाटक की राजधानी में कल हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार को बेंगलुरु में कुछ हिस्सों में जल जमाव देखा गया है। वहीं बेंगलुरु के बेलुंदर इलाके में भारी बारिश के कारण सड़कों पर गंभीर जल जमाव हो गया है, जिसके कारण लगभग 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। इसके अलावा शेषाद्रीपुरम में मान्यता ट्रैक पार्क ने भी जल जमाव देखा गया है। इसके संबंध में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वह स्थिति को सुलझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चारों तरफ चीख पुकार और लाशों का अंबार, दल झरझोर कर रख देगी इसराइल की हमास जंग की ये 10 तस्वीरें। इसराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक से हमला कर दिया था। गाजा से रॉकेटों की बौछार की गई थी। इसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने रविवार को गाजा के फिलिस्तीनी इलाके पर हमला किया। इतिहास के सबसे खूनी हमलों में इसराइल ने 900 नागरिकों की मौत हो गई। इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार 4वें दिन संघर्ष जारी है। इसी बीच इसराइली रक्षा बलों के शीर्ष प्रवक्ता रियर एडमिरल हंगारी ने मंगलवार को 10 अक्टूबर को कहा कि सेना ने गाजा सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल इसराइल पर हमला करने से पहले हमास के आतंकवादियों के बॉर्डर पर मौजूदा बाड़ के कुछ हिस्सों के उखाड़ दिया गया था। इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार 4वें दिन संघर्ष जारी है। इस बीच इसराइली रक्षा बलों के शीर्ष प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगारी ने मंगलवार 10 अक्टूबर को कहा कि सेना ने गाजा सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल इसराइल पर हमला करने से पहले हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर मौजूद बाड़ के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।